हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 14, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। देखिए, सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 14A से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए, हम अपने फर्स्ट इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, एक्स के लिए वैल्यू फाइंड करनी होती है, और जो भी वेरिएबल हो, वाई, ए, बी, सी, डी, कोई भी वेरिएबल है, तो आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो सपोज यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 हो रहा है प्लस इस इक्वेशन के साथ, तो हम इस साइड जाके 6 को क्या कर देंगे, माइनस। तो हमारे पास आ गया 20 माइनस 6 दैट इज 14, देन इज इक्वल टू 2x। अब हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड 2x भी, 2x जो हमारा नंबर है इसके बीच में कोई भी साइन नहीं है, 2 एंड x के बीच में, तो इट मीन्स यहाँ पे है 2 मल्टीप्लाई एक्स। तो 2 अगर इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके 2 हो जाएगा डिवाइड, देन आपके पास क्या आ जाएगा, 2 वन ज़ा एंड 2 सेवन ज़ा, सो हमारा आंसर आ गया एक्स इज इक्वल टू 7। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, अगेन यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड पे हमारे पास क्या है, एक्स वाले टर्म्स हैं। तो पहले हम लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 15 एज इट इज़ रह जाएगा, और आप 3 को लाके माइनस कर दीजिए, एंड 5x और x इस साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। हम 5x को भी इस साइड ला सकते थे, आप दोनों वे से कर सकते हैं। 15 माइनस 3 इज 12, देन 5 में से क्योंकि x के आगे कोई नंबर नहीं है, दैट इज़ 1, तो 5 माइनस 1 इज 4। नाउ अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, 4 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 4 वन ज़ा, 4 थ्री ज़ा, देन x हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन दी हुई है हमें, एंड हमने यहाँ पे भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको क्या करना होता है, देखिए ये जो नीचे वाला नंबर एंड डिनोमिनेटर, ये पूरा ऊपर वाले टर्म के साथ डिवाइड हो रहा है, तो आपको सम सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को इस साइड जाके क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, वो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन यहाँ पे जाएगी, देन 3x प्लस 2 एज इट इज़, देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 7x या 7x माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 7x या 42। देन अब देखिए हम आगे क्या करेंगे, और ये सारे कंसेप्ट आपने लास्ट क्लासेस में भी किए हुए हैं, बेसिक कंसेप्ट। यहाँ पे आ गया 3x, देन यहाँ पे 7 क्या हो रहा है, माइनस, इस साइड आके 7x हो जाएगा प्लस, आपने लाइक वेरिएबल्स को, लाइक टर्म्स को एक साइड करना होता है। देन अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 42, देन 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड आके 2 को माइनस कर देते हैं, 7 प्लस 3 आपके पास आ गया 10x, 42 माइनस 2 दैट इज 40। अब हमें क्या करना है, x को वैल्यू फाइंड करने के लिए 10 को हम क्या कर देंगे, 40 से डिवाइड, 0 0 कट गए, हमारा आंसर आ गया 4। सो नाउ इन दिस क्वेश्चन एक्स इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एज इट इज़ रहेगी साइड, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4 8, देन 2 a 2 a आ गया। अब देखिए 2a को हम इस साइड ले आएंगे लाइक टर्म्स करने के लिए, तो यहाँ पे हमने पहले लिख दिया 3a, देन अब हम क्या कर देंगे, 2a इस साइड माइनस का, यहाँ पे आके 2a क्या हो गया प्लस, देन 8 एज इट इज़ 4, यहाँ पे माइनस का, इस साइड आके 4 हो गया प्लस, 3 प्लस 2 दैट इज़ 5, 5a, और यहाँ पे 8 प्लस 4 इज़ 12। देन a की वैल्यू फाइंड करनी है, 12 डिवाइडेड बाय 5, अब इनकी कटिंग नहीं हो सकती, तो ये हमारा आंसर आ गया एज इट इज़। देन आप इसको पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो ऐसे भी छोड़ सकते हैं फ्रैक्शन में। देन अब नेक्स्ट हम देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जब भी आपके पास ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, तो 3 × b आपके पास आ गया 3b, देन 3 4 12, ब्रैकेट के बाहर के नंबर ब्रैकेट के अंदर वाले सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये आपने अच्छे से याद रखना है और साइन का भी ध्यान देना है। देन 2 4 8, यहाँ पे 8 लिख देंगे हम, देन 2 b 2 b प्लस माइनस माइनस, अगेन लाइक टर्म्स कर लेते हैं, 2b इधर माइनस का, इस साइड आके प्लस हो गया 8, यहाँ पे 12 प्लस तक माइनस का, इस साइड आके प्लस का हो गया 3 प्लस 2 दैट इज़ 5b एंड 12 प्लस 8 इज़ 20। अब हमें b की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है, 20 डिवाइडेड बाय 5, 5 इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, 5 वन ज़ा, 5 फोर ज़ा, हमारा आंसर आ गया b इज इक्वल टू 4। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी फ्रैक्शन है, इस साइड भी फ्रैक्शन, हम इसको हम कैसे सॉल्व करें, सिंपली आपको क्या करना है, 11 इस साइड डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाके ऊपर वाले न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, 11x हमारे पास आ गया 11x,
एंड 11 इंटू टू 22, 9 इंटू एक्स 9x प्लस 9 4 36। लाइक टर्म्स कर लेते हैं एक ही साइड। देखिए यहाँ पे 11x है, 9x आके माइनस हो जाएगा, 36 एज इट इज, 22 जाके माइनस कर दिया, 11 में से 9 गए, 2x आ गया आपके पास, देन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके आ गया हमारे पास 14। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7, देन x इज इक्वल टू 7, हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम करना है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। पहले 9 हम इस साइड जाके मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 5 को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, देन 9x या 9x, 9 8 या 72, 5 इंटू एक्स 5x एंड 5 12 या 60 आ गया आपके पास, देन लाइक टर्म्स कर लेंगे, 9x माइनस 5x इज इक्वल टू। देखिए अब ये बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पे 60 के आगे माइनस है तो हम उसका साइन एज इट इज़ रहने देंगे। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं गलती से इसको पहले लिख लेते हैं, नहीं जो उस साइड से आप लेके आ रहे हो उसको पीछे ही लिखना है, पहले जो साइड है उसका नंबर आएगा फिर बाद में आएगा। अब 72 यहाँ पे माइनस है, इस साइड आके जब हम उसको राइट हैंड साइड लेके आए हैं तो वो प्लस हो गया, तो 9 में से 5 गया आपके पास कितना बच गया 4x, एंड यहाँ पे देखिए ध्यान से प्लस माइनस माइनस होता है, 72 में से 60 माइनस करेंगे तो 12 आएगा और साइन भी बड़े डिजिट का रहेगा दैट इज़ पॉजिटिव, तो यहाँ पे 12 है और 4 आके डिवाइड हो गया, 4 वन ज़ा एंड 4 थ्री ज़ा, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 3। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे ऑलरेडी नंबर हमारे पास बाहर है ब्रैकेट के तो हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 8 ज़ा 40, इट्स 40x प्लस 5 3 ज़ा 15, देन 9 4 ज़ा 36 प्लस 9 7 ज़ा 63। अब आपको लाइक टर्म्स अरेंज करनी है, सबसे पहले यहाँ पे आपके पास 40x है एंड 36 आके हम क्या कर देंगे माइनस 63 एज इट इज़, 15 प्लस का इस साइड जाके 15 क्या हो गया माइनस, देन 40 में से 36 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस माइनस माइनस अगेन, 63 में से 15 माइनस करने हैं, 13 में से 5 गए 8 एंड 5 में से 1 गए 4, तो हमारे पास आ गया 48, देन x इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 4, कटिंग करके हमारे पास क्या आ जाएगा 12, तो आपके पास x का आंसर आ गया x इज इक्वल टू 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले आपको सेम बद्दा में ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स क्या आ जाएगा 3x प्लस 3 वन ज़ा 3 12 एज इट इज़, बिकॉज गलती से भी 12 को 4 में ऐड नहीं कर देना, सबसे पहले रूल क्या होता है कि आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो 4 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले मल्टीप्लीकेशन होगी, 4 इंटू एक्स 4x एंड 4 वन ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस, देन 3x प्लस 3 हम एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे। पहले इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे 12 और 4 दोनों नंबर्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, सॉल्व हो सकती हैं, तो 12 में से 4 गए 8 आ गया पॉजिटिव क्योंकि 12 बड़ा है, बड़े का साइन आता है, यहाँ पे 3x एज इट इज़ लिख देंगे, 4 इस साइड क्या हो रहा है ध्यान से देखिए प्लस हो रहा है तो हम इस साइड आके 4 को माइनस कर देंगे, 8 एंड 3 भी जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन हमारे पास आ गया 4 में से 3 गए ओनली x बचेगा, 1x मींस ओनली x, देन यहाँ पे 5, तो वेरिएबल के साथ तो माइनस का साइन नहीं रखना, दूसरी साइड चला जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा x का माइनस 5। अब देखिए इस क्वेश्चन में अपने बहुत ध्यान से देखना है कि हमें कैसे करना है सॉल्व। सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक फ्रैक्शन है, इस साइड भी नंबर है हमारे पास x वाले और इस साइड भी है, तो हम एक साइड कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो जहाँ ऐसे भी कर सकते हैं एक और वे है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसको एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं एंड इसको भी इस साइड ले आते हैं, देखिए ये एक्स ओवर 4 था उस साइड प्लस हो रहा था, इस साइड आके हमने माइनस कर दिया, ये 1 ओवर 4 मीन्स पूरी टर्म के नीचे ही है ये नंबर, तो हम अगर एलसीएम लेंगे 4 4 4 का तो आपके पास एलसीएम लेके भी क्या आ जाएगा 4, तो एलसीएम डिनोमिनेटर का सेम है, ओवरऑल नंबर एज इट इज़ आ जाते हैं, 3x माइनस 1 एक्स माइनस 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 32। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3x माइनस प्लस माइनस 1x या 1x ही रहेगा, देन माइनस माइनस प्लस इट्स 20, देन माइनस एक्स, नेक्स्ट स्टेप नीचे 4, हमारे पास एज इट इज इक्वल टू 32, देन 3x माइनस एक्स कितना रह गया आपके पास 2x, 2x माइनस एक्स इज एक्स ओनली, देन प्लस 20 ओवर 4, देखिए पहले 3x में से x गया 1, 2x आ गया, 2x में से x गए x बच गया,
और दूसरी साइड है हमारे पास 32। अब हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे, x प्लस 20 एज इट इज़ एंड 4 को 32 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। देन x प्लस 20 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 12। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 20 जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे दूसरी साइड, हमारे पास आंसर आ गया 108। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छे से समझ आ गया है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्रिलियंट माइंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।